अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको एक तकरीबन 2 साल की बच्ची की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इस चेक के डिजाइन में फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। ये हमारे पास कपड़ा है, इसकी हम पेटी बनाएंगे। ये मैंने इसकी विड्थ जो है वो 12 इंचेस और इसकी जो टोटल पेटी की लेंथ है वो मैंने तकरीबन जो है वो 9 इंचेस रखी है। और इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूंगी। ये डबल कपड़ा मैंने लिया, यानी फ्रंट और बैक साइड दोनों कुर्ती के। और ये इसका जो यहाँ से तीरा है वो मैं लूंगी तकरीबन 5 इंचेस। और इस तरह से यहाँ पे जो है वो इसके 5 इंचेस ही इसका आर्म होल लूंगी। और इस तरह से ये निशान लगी है। मैंने जो है वो तकरीबन इसकी जो चेस्ट की फिटिंग है वो 6 इंचेस तक रखी है। और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी पेटी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब नीचे वाला जो घेरा है वो बनाएंगे। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आज मैं आपको फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। और ये जो पेटी है ये तकरीबन 11 इंचेस मैंने इस तरह से रखी है। और जो इसकी मैंने लेंथ रखी है वो लेंथ इसकी मैंने 11 इंचेस और विड्थ इसकी मैंने 22 इंचेस। और इसके बाद यहाँ देखिए हमारे बाजू हैं, 10 इंचेस की मैंने लेंथ रखी है और 8 इंचेस इसकी विड्थ रखी है। यहाँ से मैं तकरीबन थोड़ा सा यहां से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बाजू रेडी हैं। यहां पे बाजू को अटैच करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहां पे फ्रिल भी लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे ये जो मैं ये पेटी है इसके बिल्कुल मिड में और ये नीचे वाला घेरा है इसके मिड से मैं कट कर लूंगी। ये मैंने कट कर लिया, बिल्कुल मिड से मैं सारा कट करूंगी क्योंकि यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ एक यहाँ पे एक मैं फटी बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे बॉक्स प्लेटेड दोनों साइड पे वो डाल लेंगे। और ये हाँ ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे मैं तकरीबन जो नेक है वो कट करूंगी। 3 इंचेस इसकी मैं यहाँ से लेंथ रखूंगी और 3 इंचेस ही इसकी विड्थ रखूंगी। और यहाँ पे इस तरह से गोलाई में इसका निशान लगा लूंगी। और इस तरह से मैं दोनों साइड दोनों हिस्सों को कट कर लूंगी। और ये मैं सामने जो फट्टी है वो बनाऊंगी। तकरीबन 1 इंचेस मैंने इसकी लेंथ रखी है और 1 इंचेस विड्थ रखी है और उसकी जो लेंथ है वो मैंने 13 इंचेस रखी है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर लूंगी इस कपड़े के ऊपर सबसे पहले पेस्ट करने के बाद।
दोनों हिस्सों को इस तरह से करके फोल्ड कर लूंगी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम बैन बनाते हैं। यहाँ पे दोनों साइडों को सिलाई करके तो फिर इसके बाद इसको अपोजिट साइड पे मैं इसको फेर लूँगी, तो ये हमारे नीट एंड क्लीन इसकी पट्टी जो है सामने वाली वो बन जाएगी। इसको भी बनाऊंगी इस तरह से और इसको भी बिल्कुल इसी तरह से, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। और ये देखिए नीट एंड क्लीन मेरी पट्टी तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे फ्रंट पे लगाऊंगी दोनों साइड पे। ये देखिए एक साइड जो है ये मेरा ओपन है और यहाँ पे इसको इस कपड़े के अंदर वाली साइड पे इस तरह से रख के तो यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ करके तो मैं इसकी सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने एक साइड पे जो है वो लगा ली है। ये आप देखें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी है, बहुत नीट एंड क्लीन। और दूसरी साइड पे भी मैंने लगा ली है बिल्कुल इसी तरह से। अब ये बाजू हैं इनको यहाँ पे, अब ये जो इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे भी इसी तरह हम फ्रिल लगाएंगे और लगाने के बाद फिर यहाँ पे घेरा जोड़ने के बाद इसके कंधे आपस में मैं जोड़ लूंगी दोनों साइड पे, कंधों पे सिलाई लगा लूंगी। मैंने दोनों कंधों पे सिलाई लगा ली है, कंधे जो है वो आपस में जुड़ चुके हैं। और उसके बाद अब हम ये हमारे पास मेरे पास कपड़ा है, इसको जहां पे आपके कंधे आते हैं जहां से बाजू स्टार्ट होते हैं यहाँ पे मैं एक छोटी सी फ्रिल बनाऊंगी। और ये एक साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है और इस साइड पे मैं छोटी छोटी चुंटे बना के तो यहाँ पे बाजू के साथ यहाँ पे लगा लूंगी और आगे जो हमारी स्लीव्स होगी बाकी की वो बाद में अटैच करूंगी। ये इस तरह से मैं इसकी सारी सिलाई लगा लूंगी। मैंने सिलाई लगा ली है, ये हमारी जो फ्रिल सी है हल्की सी फ्रिल वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके साथ जो बाकी के बाजू हैं वो भी मैं अटैच कर लूंगी दोनों साइड पे फ्रिल को लगाने के बाद, और ये हमारे बाजू जो हैं वो इस तरह से रेडी हो जाएंगे। और ये फ्रिल इस साइड पे मैं लगा लूंगी, देखिए दोनों साइड पे फ्रिल हमारी लग के रेडी हो चुकी है। और इसके साथ ही बिल्कुल आपने बाजू रखने हैं और इसी के ऊपर रख के तो आपने इन बाजुओं को सिलाई कर लेना है। ये बाजू हमारे सिलाई हो चुके हैं। अब बाजू के आगे वाली साइड पे भी हमने ब्लैक कपड़ा ही यूज करना है। ये मैंने बाजू दोनों के साथ जो है वो अटैच कर दिए हैं। अब इसके आगे वाली साइड पे ये ब्लैक कपड़ा इसको मैं फोल्ड करके लगाऊंगी। ये देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड किया है और आगे वाली साइड पे इस तरह से रख के तो बस सिंपली सा मैं इसको सिलाई कर लूंगी।
और ये जो है मैंने बैन बनाया है, बैन भी मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी। तो बैन बनाने का जो मुकम्मल तरीका है वो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अगर मैं और यहाँ पे ये मैंने इसके साथ बटन भी अटैच किए हैं, तो आप इसके साथ इस बटन वगैरह कोई भी अटैच कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो अब इसके साथ जो ये कॉलर है, जो कोट कॉलर पे चौड़ा कॉलर लगाया जाता है, बिल्कुल अलग सा मेथड है इसके बनाने का। तो इसकी वीडियो आप हमारे चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग पर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। ये अब जो मैंने कॉलर रेडी किया है, इस कॉलर को मैं इस ड्रेस के ऊपर इस तरह से करके लगा दूंगी। ये हमारा कॉलर जो है वो रेडी हो चुका है और हमारी फ्रॉक भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब मैं आपको फाइनली लुक जो है वो भी इसकी दिखा देती हूँ कि कैसे जो है वो हमने ये खूबसूरत सी फ्रॉक रेडी की है चेक के कपड़े पर, और साथ में ये मैंने बटन भी अटैच कर दिए हैं। और यहाँ पे इस कॉलर को मैं फोल्ड कर दूंगी, ये कॉलर को मैंने फोल्ड कर दिया है, बटन वगैरह भी जो है वो मैं उसके कर दूंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।